फ्रेंड्स, अगर आप जेईई मेंस या नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट जगह हो, क्योंकि आज बात करेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी की, जहां पर आपको जेईई मेंस और नीट की सभी क्लासेस लाइव मिलेंगे और पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। साथ में जो कोर्स आपके कवर करेंगे वो टीचर इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स होंगे, आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे कैसे आप बहुत आसानी से एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका हर हफ्ते टेस्ट होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप 24/7 कभी भी इनसे अपना डाउट पूछ सकते हैं और बहुत कम फीस ले रहे हैं। तो तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन से आप सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, और रेफरल कोड अगर आप @12 डालते हो तो आपको पूरे फीस में से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुन क्लासेस। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के छात्र हो तो इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 27 अप्रैल को घोषित होगा। यूपी बोर्ड का परिणाम सचिव ने जारी की तारीख, ये एकदम लेटेस्ट और एकदम कन्फर्म डेट आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सारी बातें क्लियर कर सकूं। आपको पांच बड़े कारण जा रहा हूं बताने। तो सबसे पहला है, देखो, 12th वालों के लिए 8 अंक ग्रेस मार्क। ये ग्रेस मार्क क्या है? ये सभी 12th क्लास के जितने बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप 25 नंबर पा रहे हो और अगर आपको 8 नंबर चाहिए पास होने के लिए और, तो आपको 8 अंक ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जिससे आप 33 नंबर पाकर पास हो सको। तो ये सबसे पहली और बिग न्यूज है आपके लिए कि 8 अंक ग्रेस मार्क मिलेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए अगर आप 8 अंक से किसी भी विषय में फेल हो रहे हो। बात करते हैं दूसरा जो बड़ा कारण है 10th वालों के लिए। 10th में अगर आप बाई चांस एक या दो विषय में फेल होते हो तो आप कंपार्टमेंट का पेपर देकर बहुत आसानी से पास हो सकते हो। साथ में अगर आपका एक पेपर छूट गया है या फिर आपका कम परसेंट आया तो आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म देकर आराम से अपना रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ा सकते हो। थर्ड जो आपका बिग रीजन है वो है एनसीईआरटी पैटर्न। देखो, इस साल एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है, स्पेशली 12th वालों की बात कर रहा हूं। जितने भी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हैं उसमें स्टेप मार्किंग होती है, साथ में आपको हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो आपने, अगर मैं बोल रहा था, अगर आपने 4 लाइन का आंसर है उसमें 2 लाइन लिखा है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये जो स्टेप मार्किंग है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आधा आधा नंबर आधा आधा क्वेश्चन करके आते हैं लेकिन उन्हें नंबर नहीं मिलता था। लेकिन इस बार एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है तो इसमें स्टेप मार्किंग होती है, आपको अगर 1-2 लाइन भी लिखे हो तो आपको 1-2 लाइन का भी नंबर मिलेगा। बात करते हैं चौथे बड़े रीजन की, तो ये 10-12 दोनों के लिए लागू होता है। मान लो अगर आप किसी विषय में फेल होते हो तो आप NIS बोर्ड में फॉर्म भरकर आप आसानी से पास हो सकते हो। जिस विषय में आप फेल हो बस उसी का पेपर देकर काफी आसानी से पास हो सकते हो। यूपी बोर्ड से बहुत सरल बोर्ड है और इसका मान जेईई मेंस, एडवांस, नीट, BHU, पॉलिटेक्निक, हर जगह इसके रिजल्ट का मान होता है। तो आप आसानी से इसके थ्रू पास होकर आप आसानी से कहीं भी एडमिशन पा सकते हो, अपना साल बचा सकते हो। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चुनाव। चुनाव, देखो, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने बिहार का रिजल्ट देखा होगा, 80-85% बच्चे पास हुए हैं। तो आप भी आसानी से पास हो, क्योंकि इस बार चुनाव हुआ है, योगी और मोदी सरकार कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। तो क्योंकि 12th वाले जितने बच्चे वो सभी चुनाव में भाग लेंगे, वोट देंगे, तो ऐसा वो करना नहीं चाहेगी कि इस बच्चों को नाराज करे। तो हो सकता है जनरल मार्किंग कराए जिससे आपको आसानी से नंबर मिल सके। और पांचवा जो सबसे लास्ट में बड़ा रीजन बता रहा हूं, ये बहुत जेन्युइन रीजन है। देखो, आपकी लगभग 3,20,00,000 कॉपियां थी, ठीक है, 55 लाख विद्यार्थी हैं, टोटल 3,20,00,000 कॉपी आते जिनका कॉपी चेकिंग मात्र 15-20 दिन में कर दिया गया। जो कॉपी को आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने में लगता था, वैसी 3,20,00,000 कॉपियों को इन्होंने 15 दिन में चेक कर दी। तो ऐसी जरूर बात होगी कि इन्होंने पूरे अच्छे से एक एक कॉपी को नहीं चेक किया होगा, एक एक लाइन पढ़कर। तो ऐसे में सभी बच्चों को अच्छे नंबर मिलने के चांसेस है, जो बच्चे सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड लिखे होंगे। तो ये थे मेन कारण जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के जितने भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर फेल हो गए मैं, मुझे बहुत टेंशन है, इन जितने भी तमाम आपके सवाल होंगे आपको थोड़ा रेस्ट और टेंशन फ्री हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, पॉलिटेक्निक BHU की तैयारी करो तो सब्सक्राइब करो, जो मैं वीडियो डाल रहा हूं एंट्रेंस की उसे देखो और अपने भविष्य को सुधारो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।